subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब तक तो हमने SIP सुना था कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उससे आप टैक्स बचाइए, वो निवेश का एक अच्छा तरीका है, लेकिन एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहां से आएगा, ये है क्या चीज? देखिए लक्ष्मण जी, ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी SIP की तरह, इसको SWP कहते हैं जी। तो ये SWP जो है ये म्यूचुअल फंड की ऐसी योजना है कि जिसके तहत कोई भी निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, वो अगर ये चाहता है कि मुझे हर महीने या तो पीरियोडिक इंटरवल से रेगुलर इनकम विड्रॉल के स्वरूप में मिलती रहे, माना आपने कुछ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया और उसके रिटर्न के आधार से आपको इन्वेस्टमेंट के वो यूनिट्स के रिडेम्पशन के तौर से आपको नियमित रूप से रकम मिलती रहे, इसको हम SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। लेकिन सुनने में तो वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सच पूछिए तो मैं समझ नहीं पाया आखिर ये काम कैसे करेगा टैक्स बचत के टूल्स के तौर पर, कुछ एग्जाम्पल देकर समझा सके आप तो ज्यादा बेहतर होगा। एक कंपैरिजन के लिए हम ये ले कि भाई एक बंदा रिटायर हो रहा है, उसके पास 60 लाख रुपया निवेश करने के लिए है और वो 60 लाख रुपया उसने मान लीजिए, एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 10% के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेता हूँ, तो 60 लाख रुपये पर अगर उसको इंटरेस्ट या एन्यूटी के तौर से कुछ मिलता है तो वो 60 लाख पर जो उसका 10% के हिसाब से 6 लाख की इंटरेस्ट या एन्यूटी की इनकम होगी, उस पर उसे टैक्स भरना होगा। मान लीजिए उसके जो भी एप्लीकेबल रेट है 30% है तो उसके हिसाब से। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि जब आप 60 लाख रुपये का निवेश करते हैं और 10% के हिसाब से आपको जब 6 लाख का विड्रॉल करते हैं, तो समझिए ये 6 लाख जो पूरी रकम है वो एक साथ टैक्स नहीं होती, क्योंकि जो यूनिट्स का रिडेम्पशन होता है आपको जो मिलता है वो कैपिटल गेन होता है, आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो आपको सेट ऑफ मिलती है, तो आपको जो टैक्स भरना होता है वो खाली प्रोपोर्शनेट इनकम पर भरना होता है। तो 60 लाख पर 10% के हिसाब से 6 लाख की आपकी इनकम हुई तो उसका 10% माना 60,000 पर आपको टैक्स भरना होगा और बाकी जो 5,40,000 है वो तो आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल है। ये इसका तफावत या तो इसका डिफरेंस है। जो 6 लाख रुपया अगर आपका इंटरेस्ट या एन्यूटी होता है तो उस पर आपका 30% के टैक्स रेट से आप 1,80,000 रुपये का टैक्स भरेंगे और वही 6 लाख रुपया आपको अगर SWP माना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में मिलता है तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपका 60,000 और आपका वही टैक्स रेट गिनते हैं तो 60,000 पर 30% होगा 18,000, एक तरफ 1,80,000, एक तरफ 18,000, 1:10 के रेशियो में आपकी टैक्स की बचत हो सकती है। तो 1,80,000 की बजाय सिर्फ 18,000 आपको देना पड़ेगा।